नमस्कार प्रियजनों, आप देखने बीच पाठशाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूटी 2023 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसमें सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आता है। जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट सेक्शन है जो कि कॉमन है। अप्रोक्स बहुत सारे कोर्स में इसको एज अ कॉमन सेक्शन रखा गया है कि आप जनरल टेस्ट लोगे तभी आप इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे। जैसे BA है, BA LLB है, कहीं कहीं पे BCom में भी है, कहीं कहीं पे BVoc कोर्सेज में अवेलेबल है, और कहीं कहीं पे बस जनरल टेस्ट का एग्जाम देके उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप 100% फुलफिल कर देते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो जनरल टेस्ट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर पूरी एक सीरीज आनी चाहिए। यानी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और इसका जो मटेरियल है वो हम कैसे कहां से ले सकते हैं, ओवरऑल आप 100% जो इसका प्रिपरेशन है वो कैसे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए और आने वाली हमारी इस जनरल टेस्ट की सीरीज को फॉलो करिएगा। जैसे कि अभी मैं आज आपको बताऊंगा बहुत बेसिक नॉलेज कि जनरल टेस्ट के लिए क्या स्टडी प्लानिंग करनी है और इस जनरल टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूंकि हाल ही में अभी मैंने एक NTA का एग्जाम दिया, यानी आपका जो NTA टेस्टिंग एजेंसी है उसके ही अंतर्गत एक एग्जाम आया था जिसको बोलते हैं UGC NET। ये एग्जाम जो है आप लोग को शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं, PG के बाद देते हैं रिसर्च के लिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, यानी प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉमन तरीके से बोला जाए तो। इट मीन्स कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होती है नेट एंड JRF। इट मीन्स कि नेट का पेपर देना होता है है, और नेट का पेपर जो है वो कराता है कौन, वो कराता है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका भी कराता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन या जो एक पैटर्न है, अगर इसको हम लोग फॉलोअप देखें, अगर इसका एक पैटर्न को समझे तो कहीं ना कहीं आप CUT 2023 की प्रिपरेशन में भी क्या करोगे, एक बहुत बढ़िया बूस्टअप का काम करेगा। आप उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो कैसे पढ़ना है, क्या आपकी क्वेश्चन आस्किंग प्लानिंग होगी आपके CUT 2023 में। जनरल टेस्ट सेक्शन को हम लोग इसलिए देखेंगे। BHU पाठशाला पे कोर्स रन कर रहा है, एक नंबर है 9519383272 9519383272 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके अपने कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो। अभी जो कोर्स फी है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही जेन्यून है, आप आराम से इसको एफोर्ड कर सकते हो, और वो है 999 रुपये। 999 रुपये में कंप्लीट GT का हमारे यहाँ सिलेबस अवेलेबल है, जिसमें हम लोग आपको स्टैट्स GK से लेके बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इको के बेसिक नॉलेज एप्टीट्यूड में रीजनिंग एंड मैथ, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स के कंप्लीट सिलेबस जो है मेरा गाइडेंस भी इंक्लूडेड है। तो आप चाहें इसमें इतना ही नहीं, इसमें लैंग्वेज सेक्शन भी इंक्लूडेड है, या फिर आप अगर कोई एक डोमेन चाहते हैं तो डोमेन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग इस कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो एक पूरा प्लानिंग है, जनरल टेस्ट का जो एक पूरा कंप्लीट प्लानिंग है उसको हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लगभग 4 पॉइंट्स नोट किया हूँ और उम्मीद करता हूँ इन 4 पॉइंट्स से आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ कि जो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस पूछा कैसे जाएगा, जबकि आपका CUET आता है किस में, CUET के NTA के द्वारा जब पूछा जाए तब। हम लोग इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका जो टेस्टिंग एजेंसी NTA, देखो किसी भी कमीशन का जो पेपर होता है, जो एजेंसी होती है, उसके प्लानिंग को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कमीशन का जो पेपर कराने वाला प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग प्लानिंग से कराता है, समझ रहे हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि JEE मेंस और एडवांस के पेपर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मेंस कौन कराता है, NTA कराता है, लेकिन एडवांस यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, मींस कोई IIT कॉलेज को दिया जाता है और वो पेपर मेकिंग करके क्वेश्चन पूछता है, तो वो एक तरह से इंजीनियरिंग का सेकेंड प्लेटफॉर्म है, तो जेन्यून बात है कि पेपर हार्ड होगा। लेकिन अगर हम लोग NTA के लेवल पे जितने एग्जाम्स होते हैं उनके एप्टीट्यूड सेक्शन को देखें तो एक कॉमननेस है, उस कॉमननेस को अगर आप पकड़ लेते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पता है वीडियो बनाने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि आप ये जान सको कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है ये तो ऑफिशियल सिलेबस के द्वारा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कहां हमें टाइम लॉस नहीं करना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रीजन है कि मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हम लोग जनरल टेस्ट के उस मेथड को जानने की कोशिश करेंगे जो कि NTA फॉलोअप कर रहा है। तो आप इस मेथड को अपने दिमाग में बैठाओगे तो कहीं ना कहीं अपना टाइम लॉस नहीं करोगे और पर्टिकुलर उस पोर्शन पे फोकस कर पाओगे जहां पे आपको तैयारी करनी है, टाइम देना है।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का। इट मींस कि आपके इस जनरल टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आएंगे, समझ रहे हो, जैसे कि नेम, कोई प्लेस, कोई अवार्ड का नाम, कोई पर्सन का नाम, व्हाट, वेयर, हु, मतलब सिंगल आंसरिंग क्वेश्चन जो होता है, एक या दो लाइन का क्वेश्चन, और उससे डायरेक्टली, जैसे कि 2019 का भारत रत्न निम्न में से किसको दिया गया, चार ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, समझ रहे हो। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का जो फॉर्मेट है, ये एक फॉलोअप करते हैं ये लोग, लेकिन इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम रहती है। मैं यहां पे जनरलाइज वीडियो बना रहा हूं, समझ रहे हो, मींस कि इसको पीजी के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो मैंने यहां पे एक स्केल मान लिया है, वो है 100 क्वेश्चन का, ठीक है। 100 क्वेश्चन मान लो जनरल टेस्ट का आ रहा है, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 10 है बस। ये लोग लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से देंगे। मैं बस जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूं, इस डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में अगर वो मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन भी रखते हैं तो डायरेक्ट में रखेंगे। जैसे मान लो अगर ये लोग मैथ के क्वेश्चन रखे हैं, सीआईएसआई के रख रहे हैं, तो सीआईएसआई में वो आपके पास अगर 3 वैल्यू देते हैं तो एक वैल्यू आराम से बहुत आसानी से फार्मूला बेस पे पूछ लेंगे। जैसे उन्होंने साधारण ब्याज दे दिया, समय दे दिया, तो बहुत आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेंगे। मतलब आपके पास इनफ वैल्यू अवेलेबल होंगे, डेटा अवेलेबल होंगे, और उसकी बेसिस पे आपके क्वेश्चन मार्क के आंसर निकालने होंगे। समझ गए मेरी बात, ये है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का मेथड। सेकंड मेथड जो ये फॉलोअप कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर इस टाइप के, यानी कि क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन से ए बी सी डी बनाएंगे, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के उसमें ए बी सी डी बना देंगे, डायरेक्टली बना देंगे, मीन्स कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पे इसका दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे सपोज, ठीक है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे लिख देंगे। और आपको बताना होगा कि ये चारों के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, जैसे उसमें लिखेंगे ओनली ए सही है, समझ गए मेरी बात, दूसरा ओनली ए एंड बी सही है, ए सही है मतलब ए इज करेक्ट बट बी एंड सी इज इनकरेक्ट। इट मींस कि ये क्या कर रहे हैं, आपको अब यहां पे थोड़ा सा जजमेंट करना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहां पे तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का था, आप कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन में आपको आएगा तो सीधे सीधे क्लिक कर दोगे, या फिर ऑप्शन डिटरमिनेशन मेथड जो होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, मींस कि आप आरक्षण ऑप्शंस एलिमिनेशन प्रोसेस की बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। यहां पे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका जो आस्किंग लेवल है वो थोड़ा सा टफ है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब आपको इस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कम से कम आपके पास 2 का डेटा तो होना ही चाहिए इस लेवल तक का। अभी सपोज कि मैं क्वेश्चन का मेथड बताता हूं कैसे पूछेंगे। सपोज कि मान लो एक क्वेश्चन है आपके नेचर से रिलेटेड, वहां पे इन्होंने जैसे अब किसी पहला इन्होंने क्या दे दिया, कोई नेशनल पार्क का नाम दे दिया, ठीक है, किसी नेशनल पार्क का नाम दे दिया। अब ये नेशनल पार्क से दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे लिख देंगे, यह अवेलेबल है, यानी ये मान लो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। अब ये इस स्टेट में आता है और ये बेसिकली इस जानवर के लिए स्पेशल है, आप समझ गए मेरी बात। मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन के तीनों चारों अलग अलग भाग होंगे, अलग अलग लेवल के, अलग अलग सेक्शन या सेक्टर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन उसी सेक्टर से होंगे, वो एक ही पैराग्राफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। यानी आपसे नेशनल पार्क पूछा गया, वो नेशनल पार्क कहाँ, काजीरंगा मान लो है, तो काजीरंगा कहाँ है और काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो एक सिंह वाले गैंडे के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण, किसके लिए जाना जाता है ये। अब जब आप ए बी सी तीनों का जब जानकारी रख लोगे तो यहां पे आराम से मान लो सी वाला ऑप्शन क्या है कि ए बी सी करेक्ट, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि तीनों सही है। और डी वाला कुछ और था कि मान लो डी इन्होंने स्टेट गलत लिख दिया है, तो अब एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी सही है बट डी इज इनकरेक्ट। तो ये एक तरीका, और इसका जो फॉलोअप है कम से कम 15 क्वेश्चन का है। यहां पे आपको जनरल टेस्ट का पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पॉइंट 3 को देखते हैं। पॉइंट 3 समझ लो कि एनटीए का फेवरेट पॉइंट है। इट मींस कि ये सबसे ज्यादा फेवर करता है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने में।
अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिमाग थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा, मेरी बात समझ गए। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस आपके पास ए एंड बी करके दो स्टेटमेंट होंगे इनके पास, और उस स्टेटमेंट की बेसिस पे ये ऑप्शंस बनाएंगे, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, ए करेक्ट बट बी फॉल्स, या फिर ये बोल देगा कि ऑप्शन नंबर वन या स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू को फुलफिल करता है, या ऐसे बोल देगा कि स्टेटमेंट नंबर टू स्टेटमेंट नंबर वन को सेटिस्फाई करता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये इनके यहाँ फेवरेट लिस्ट में रखे गए हैं, मींस एनटीए अपने यहाँ लगभग डोमेन में भी इसको फॉलोअप करेगा, लैंग्वेज में भी फॉलोअप करेगा, और जनरल टेस्ट में भी, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे जीके जीएस, चाहे स्टेट्स हो, उसमें ये फॉलोअप करते हैं, और ये करंट अफेयर्स में भी फॉलोअप करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। तो प्लीज आप लोग स्टेटमेंट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस देखें, स्टेटमेंट बेस्ड जब भी क्वेश्चंस देखें, तो आप उसको भी कोशिश करें कि पढ़े जरूर। पता है एग्जाम में, एक बात मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट्स को प्लीज अपने माइंड में रखना, पता है एग्जाम हाल में एक ऐसा सिचुएशन आता है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो क्वेश्चन को, पता है क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बोरिंग तरीके से पूछा जाता है, उसकी राइटिंग, नंबर ऑफ लाइंस, उसका लैंग्वेज, वो इतना ज्यादा लेंदी है या इतना बोरिंग है कि आप यूं ऐसे बैठ जाओगे, बस करो अब नहीं करना है, ये एक फीलिंग, ऐसा थॉट एग्जामिनेशन हॉल में आता है। आपको इस समय क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए आपको, उस समय बेसिकली सबसे पहला पॉइंट है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। और ये चीजें अभी मैं इसलिए बता देता हूं ना, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने का अगर अपने माइंड में एक सेट बैठा लोगे, जैसे होता है ना, एक दोस्ती कर लो इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने का, अगर आप दोस्ती कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने लगे, और आपका जो एक माइंड है कि हाँ बोरिंग नहीं फील हो रहा है, तो आप आराम से एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ोगे, और उसके ऑप्शंस मैच करा के आप आंसर क्लिक कर लोगे, ठीक है। लास्ट है ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर एक समझ लो कि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग वाला पॉइंट्स है, समझे गए, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में लगभग 10, 12, 15 करके क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी के जितने बचे हुए पोर्शन है वो पूरे के पूरे पॉइंट नंबर फोर से आएंगे। जैसे कि अभी नया में मैंने एक चीज देखा कि एनटीए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, इट मीन्स कि हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि पैसेज बहुत लेंथी नहीं रहेगा, बहुत बड़ा पैसेज नहीं देंगे, मान के चलो इनके पैसेज की साइज जो होगी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार में पूरा दिखेगा स्क्रीन पे, या फिर थोड़ा सा कर्सर नीचे ले जाओगे तो पूरा दिखने लगेगा, चार लाइन नीचे कटेगा। मैं काउंट करके बताऊं तो मान के चलो इनके पैसेज की साइज होगी 16 लाइन के आसपास, बस उससे बड़ा नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं पैसेज वाला, पता है देखो पैसेज के क्वेश्चंस आने से फायदे होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन वो स्कोरिंग है। मैं हमेशा बोलता हूं कि वो क्वेश्चंस तो जरूर सही करके आना जो पूरे बच्चे सही करके आते हैं, क्योंकि वो तो हर किसी को एक लाइन पे खड़ा कर रहा है ना। अब पैसेज एक ऐसा आस्किंग वे है कि वहां पे लगभग हर लड़का पैरेलल खड़ा होता है, लगभग चांसेज है कि वो पढ़ेगा और उसके आंसर्स करेक्ट कर सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट जो है ये लगभग बच्चों का सही हो जाएगा, अगर उन्हें पास नॉलेज है तब, उन्हें आता है तो। बच्चे तो सेकेंड एंड थर्ड जैसे पॉइंट्स में क्या होते हैं, कंफर्म कभी नहीं हो पाएंगे कि एकदम सही करके आए हैं कि नहीं, एकदम सही टिक करके आए कि नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर वन की बात करें तो लगभग पूरा उम्मीद रहता है कि हम सही करके आए हैं। पैसेज में अगर पैसेज मैनिपुलेशन मैसेज पैसेज नहीं है, मतलब इतना इनडायरेक्ट सेंस नहीं है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए रिलेटेड टू, मान लो फोर क्वेश्चन दिए गए पैसेज से, तो ऐसा नहीं है कि वो चारों क्वेश्चंस डबल मीनिंग के बेसिस पर रखे गए हों, तब तो मान लो कि मैं मानता हूं कि उसमें सामंजस्य बैठाना मुश्किल है कि आप सही की हो कि गलत की हो, लेकिन मान लो पैसेज डायरेक्टली है तब दूसरे लाइन में ही लिखा हुआ है कि हाँ भारत एक शक्तिशाली देश है क्योंकि यहाँ पे हमारा संविधान फॉलो होता है और हमारे पास इतने राज्य हैं। अब इतने राज्य हैं, राज्य की वैल्यू दी है 29, 9, तो आपने तुरंत देखा कि हाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने राज्य हैं, आप वहाँ पढ़े यहाँ ठीक कर दिए। मान लो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पैसेज से उठा के रखा गया तब तो आंसर करोगे ना सही भाई। इन कभी कभी क्या होता है ना कि इनडायरेक्टली, मान लो उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, या मान लो क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक अच्छे नागरिक की विशेषता, और पैसेज में कहीं विशेषता के बारे में नहीं है, लेकिन वहां अपने से बैठा दिया क्वेश्चन कि वो जो होता है अच्छा नागरिक वो उदार भी होता है और सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं देता है और वो इस तरीके से, तो
अब वहां पे अपने माइंडसेट से आंसर लगाना है, तो उसमें लास्ट एक उपयुक्त सभी भी है, तो उपयुक्त सभी लगा दिया क्योंकि लगभग नागरिकों के पूरे आयाम होने चाहिए, पूरे उनके कैटेगरी में आते हैं, उनकी क्वालिटी काउंट करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पैसेज दो प्रकार के, एक इनडायरेक्टली पैसेज, एक डायरेक्टली पैसेज। तो डायरेक्टली पैसेज जब आता है, जब उसके क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपने पैसेज पढ़ा और दे दिया क्योंकि उसमें लिखा गया था, तो वो सही करना बहुत जरूरी है, वो गलत मत करना, क्योंकि ये पूरे भारत में आपके साथ बैठे हुए उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में सब बच्चे सही करने वाले। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना है जो हर बच्चा सही करके आता है, नहीं तो आप तो इसी वाले में पीछे हो जाओगे, बाकी फिर उसमें तो पीछे होना ही है, पॉइंट नंबर वन छोड़ के पॉइंट नंबर टू एंड थ्री में। ओके, मैंने यहां पे ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ से रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मींस ग्राफ रिलेटेड मींस व्हाट टाइप क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये यूं समझो ना कि ये लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में ग्राफ दे देंगे, चाहे वो पाई चार्ट में दें, चाहे आपको मतलब सर्कल में दे दें, उसमें जनरली कोई कंपनी दे देंगे और उसमें इम्प्लाई दे देंगे, समझ रहे हो, और फिर पूछ देंगे, या फिर जनरली ऐसे क्वेश्चंस में मेन पावर एंड फीमेल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, या कंपनी के अलग अलग सेक्शंस दे देंगे, या यूनिवर्सिटीज का पूरा एक ग्राफ बना देंगे, उसमें मान लो 6 यूनिवर्सिटीज डाल दिए, अब 6 यूनिवर्सिटीज में यहाँ बच्चे इतने पढ़ते, इतने अब्सेंट होते हैं, या इस सब्जेक्ट्स को पढ़ाई में करने वाले इतने बच्चे हैं, तो आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करके इस ग्राफ वाले क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस, पता है आज इस वीडियो का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है, मैं आज आपको ट्रेंड से बाहर निकाल रहा हूं, वो ट्रेडिशनल ट्रेंड से बाहर निकालना पड़ेगा। बस एमसीक्यू मत देख के प्रिपरेशन करो, बस ये मत सोचो कि हाँ सीबीटी मोड है और 4 ऑप्शन आएंगे, टिक तो कर ही लोगे। ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, ट्रेंडिंग ट्रेडिशंस चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। अब ऐसे पॉइंट नंबर वन टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बस इंपॉर्टेंट नहीं रह गए, यू हैव टू फोकस ऑन पॉइंट टू, पॉइंट थ्री एंड पॉइंट फोर। आपको बाकी के पॉइंट्स को समझना पड़ेगा क्योंकि अब इस टाइप के न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन मैनिपुलेशन मेथड यूज किया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब आपको अपना ट्रेंड बदलना पड़ेगा, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बदलना पड़ेगा, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। जब भी हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या हमारे पास जब भी ग्राफ पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं कि स्किप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने कभी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े नहीं है, बोर हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देख के बोरिंग फील होता है, टीचर भी नहीं पढ़ाता है। यही रीजन है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिससे कि अब आज से आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी देखोगे, उसमें परसेंटेज पूछा जाए, प्रॉफिट लॉस पूछा जाए, या जनरली बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जाए डायरेक्टली, तो आप ग्राफ और पैसेज पढ़ के स्किप मत करो, प्रैक्टिस करो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की। पता है, एक और डिग्री बताता हूं, मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस की बुक भी बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ट्रेंडिंग ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का मेथड चेंज हो रहा है, अब वो डायरेक्टली रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस भी नहीं देते हैं, जनरली उसमें भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कंपटीशन का लेवल अब बढ़ रहा है। अगर वो आसान क्वेश्चन दे देंगे तो सब पूरा में पूरा मार देंगे भाई, सोचो, सोचने वाली बात है। हमारे पास 19,000 कैंडिडेट इस बार सीयूटी में पूरे इंग्लिश नंबर लाने वाले थे, लैंग्वेज में 100-200 में 200 मार्क्स थे उनके, या जितने नंबर का पेपर था उसमें 100% था उनका। क्यों? क्योंकि हर कोई अच्छे से पढ़ाई करने लगा है अब। यही रीजन है कि मैं आपको अवेयर करा रहा हूं, डाटा सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कैसे? जैसे कि मान लो ये लोग एक डेटा दे देंगे, ठीक है, किसी कंपनी का, किसी किसी ऑफिस का, किसी पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर में ही, मान लो किसी यूनिवर्सिटी का, सब्जेक्ट्स हो गए, फिर उसमें टीचर्स हो गए, उसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो जनरली आपको डाटा पढ़ पढ़ के, मैं सच बता रहा हूं, लास्ट में इस वीडियो के सच में एक पॉइंट बता रहा हूं, बस इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, आंसर आप 100% क्लिक करके आओगे। बस हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जनरली पढ़ते नहीं है, जनरलाइज्ड क्वेश्चन पेपर हो चुका है अब, ट्रेडिशन से बाहर निकलो, जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो ये सभी स्टेप्स फॉलो करो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप जनरल टेस्ट में 100 में 100 करके आने वाले हो।
तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको जनरल टेस्ट के कितने वीडियोज, कैसे वीडियोज चाहिए। आई विल मेक वीडियोज, आई विल अपलोड, और आप इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन पा सकते हो, मैं दे दूंगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ ये चारों पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। वीडियो लंबा इसलिए था क्योंकि हर एक पॉइंट्स को समझाना था और बेसिकली आपके कंपटीशन की बात है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एनडीए की तरह आपके साथ धोखाधड़ी करूं। मेरी ये प्लानिंग है कि भाई आप खुद को टाइम दो। मेरे वीडियोज़ को देखने का जो सबसे बड़ा रीज़न यही है आपके पास कि आप अगर इस वीडियोज़ को देखते हो या इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आप एक्चुअली समझ पाओगे कि हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन। इट मींस कि प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन, तैयारी करने से पहले तैयारी का क्या प्लानिंग होना चाहिए ये मैं आपको बताऊँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो आपको देखना चाहिए। तो मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियोज देखते रहें। बहुत सारे शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब चैनल। हर हर महादेव।